मैं हुण जीवा के मर जावा। यही तो एक प्रॉब्लम है कि वो अपने फैसले बहुत बदलता है, उन पर कायम नहीं रहता, और उससे शादी ना करने के लिए ये वजह काफी है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये, हम सब लोग इकट्ठे मनाल के घर जाएं। सब क्या जलील करने के लिए बुलाया था हमें? ये केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता। That's it. You may go now. मैम केस तो रीओपन होगा। क्या तुम्हें अभी मेरी नियत पर शक है? तो इस शक को यकीन में बदल रहा है क्योंकि इतनी ताकत मोहब्बत में तो नहीं होती। इतना ताकत पर होने के लिए तो मुकम्मल नफरत करनी पड़ती है। मैं हुण जीवा के मर जावा। कहा था ना मैंने, मुझ पे ना तरस खाना ना हमदर्दी करना। इस सारे वक्त में मुझे तुम ये एहसास दिलाते रहे कि तुम मेरे साथ खड़ी हो। बहुत तकलीफ है तुम्हें, दुख है मेरे लिए, अफसोस ये सब किसी और के कहने पर। अमल के मुंह से सच सुनकर आ रहा हूं मैं। उसके कहने पे शादी की है ना तुमने? लम्हे के लिए जो रिश्ता सबसे मजबूत लग रहा था, अभी उतना ही कमजोर लग रहा है। मुश्किल से हिम्मत की थी मैंने फिर से एक बार किसी रिश्ते पर भरोसा करूं, सच हो यकीन हो। अगर तुमने तो बुनियादी छूटी रख दी क्या मिला खुद को तकलीफ में डालकर? कैसी तकलीफ? मैं तो बहुत खुश हूं। अमल खुश देखा है मैंने तुम्हें, अंदाजा कर सकता हूं कब खुश होती हो कब नहीं। मेरे बारे में अंदाजा करना ही तो गलती है। मेरे मामले में तो यकीन होना चाहिए, और आप यकीन कर लें कि मैं बहुत खुश हूं।
जो चाहा था वो हो गया। मैं बस ये सोच रहा था कि हैदर और मिनाल को इस छत के नीचे देखकर। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैदर किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मैं इन सब चीजों से बहुत आगे जा चुकी हूँ। फिर भी अगर तुम कहो तो मैं अम्मी अबू से बात करता हूँ, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे किसी घर या किसी। हम कहीं नहीं जा रहे, मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को मुकम्मल किया और इस घर के जुड़े रहने में ही मेरी खुशी है। प्लीज आइंदा ऐसी कोई बात नहीं कीजिए। चेंज करके गुलाब क्यों है जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा मैं हुण जीवा के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा
जरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं हूँ या मुजरिम हूँ मैं ऊपर वाला सब जाने तू बोले तो पी लूँ उसको जिस पानी में जहर घुले। बेटा मुझे अंदाजा था कि ये लोग परेशान करेंगे। आए थे कुछ मोहल्ले की कमेटी वाले मेरे पास, कहेंगे जी वो मकान खाली कराएं। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ तक गिर जाएंगे। हर्षिता आप उनको बता देते कि मैं कुछ रोज तक चली जाऊंगी। बार बार मैं कह रहा हूँ अगर इनके दबाव में आके तुम खाली कर रही हो इसकी जरूरत नहीं है, भूल भाल जाएंगे चंद दिनों में। ये घर खाली करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हिम्मत ही नहीं है मुझ में और मेरे साथ बच्ची का साथ है जिसके लिए ये जगह सिर्फ नामुनासिब नहीं खतरनाक भी हो गई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आपने कहा था आप कुछ घर का पता करेंगे, कुछ मालूम हुआ आपको? दो तीन एजेंटों से मेरी बात हुई है लेकिन आपको उनसे खुद मिलना पड़ेगा। बेटा जी मैं चले जाऊँ। मैं आपको उनके नंबर शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास नंबर आ गए? देखो मैं शीशे वाले को लेने जा रहा हूँ, ये आपका दरवाजा भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे भाई की घर लेके चलता हूं। रस्म के मुताबिक तो भाई भाभी को लेने आना चाहिए। उन्हें नाराज करके तुमसे शादी की है। नहीं जाना मुझे घर, वो अपनी नाराजगी निभा रहे हैं, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आई हो यहाँ?
मैं आपके लिए चाय। किसी ने कहा था? मैंने कहा था चाय लाने को? मैं बस। अमल, अमल, जी ताबू, इससे कह दो कि आज के बाद मेरा कोई काम न करे। अच्छी तरह समझा दो इसे कि सिर्फ उसकी खिदमत करे जो इसे यहां लेके आया है, हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम तायबू की बातों को प्लीज दिल पर मत लो। असल में बब्बू की नाराजगी की वजह से बहुत गुस्से में, ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में। तुम्हारे साथ अपने रवैये पर शर्मिंदा भी होंगे, और फिर तुम देखना तुम्हें वो सारी मोहब्बत और खुशियां देंगे और इज्जत देंगे जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हें हैदर को नहीं बताना चाहिए था। तुमने मुझे मना किया कि मैं हैदर को नहीं बताऊं कि तुमने मुझे हैदर से शादी करने का कहा, पर खुद क्यों बताया तुमने? मैंने तो अपनी खुशी का इजहार किया था कि तुमने मेरी बात का मान रखा। हैदर ने कुछ कहा तो अच्छा नहीं लगा उसे। उसे लगता है मैंने उसके भरोसे का मान नहीं रखा। ये बात मुझे बतानी चाहिए थी उसे। यार, I'm so sorry. मैं हैदर से माफी मांगती हूँ। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से माफी मांगने की, ना ही मैं तुम्हारी नीयत पर शक कर रही हूँ। मैं हैदर को मुतमईन कर लूंगी, उसे मुझसे शिकायत है, उसकी शिकायत तुम्हारी माफी से दूर नहीं करूंगी। इस रिश्ते से जुड़ी मोहब्बत से दूर करूंगी मैं। हाउ स्वीट। अच्छा लग रहा है हैदर ने भी। Thank you.
तुम नहीं 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 गुस्सा करने की कोशिश मत करना और चलाना तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम दोनों अकेले हैं कमरे में, दरवाजा लॉक है। अगर ऐसे में मिनाल आ गई, मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल के गई तो क्या एतबार आ जाएगा? मैं हुण जीवा के मर जावा। मामा आप कहाँ चली गई थी? बेटा मैं हम दोनों का न्यू हाउस देखने गई थी। मामा कैसा है हमारा न्यू हाउस? उसमें क्या मेरी डॉल और डॉल हाउस आ जाएंगी? वो आ गई, बेगैरती की भी हद होती है, इद्दत में घूम फिर रही है। अरे कौन सी इद्दत, सुना है जवान लड़का घर के चक्कर लगा रहा है। हाँ भाई क्या हो रहा है आजकल? यार कभी चाय वाई पिला दो हमें, मोहल्ले में। चलो आज शाम को चाय साथ पीते हैं। ले आ जाए आप। हाँ रात को नींद आ गई थी, जब तक यहाँ रहोगी रोज एक नई अजियत से गुजरना पड़ेगा, सुन लो। ये लीजिए। हैदर मिनाल को कह दिया आपने? हाँ मैंने कहा है, वो दोनों आ जाएंगे। अगर वो दोनों खाने पे आ रहे हैं तो मेरा खाना कमरे में भेजो। नवाज क्यों कर रहे हैं ऐसे? कौन सी कयामत आ जाएगी अगर वो लोग हमारे साथ खाना खा लेंगे तो? आप खाए ना उनके साथ खाना, आपको कौन रोक रहा है? बल्कि आप ऐसा करें कि अपने हाथ से निवाले बना बना के अपने उस चहीते को भी खिलाएं और उस फिसाद की जड़ को भी खिलाएं। ताइबो प्लीज आप भूल जाना जो कुछ हुआ, प्लीज सब कुछ भूल जाएं। प्लीज जरूरत नहीं है फेक तरफदारी की। मैं जानता हूं आप मिनाल को इस घर की बहू नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात से नहीं चुटला सकते, बीवी हो मेरी। आप कोशिश करें इस तरह की बातें ना किया करें प्लीज। साहबजादे को लगता है मैं कुछ गलत कह रहा हूं। क्या गलत कहा है मैंने? आपकी बीवी को फिसाद की जड़ कहा है, तो क्या नहीं है फिसाद की जड़? ये जानते बूझते कि आपको और अमल का क्या रिश्ता है, आपको अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया उसने। अंधे हम? इसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने अमल से शादी नहीं की उसकी वजह मिनाल कभी नहीं थी। अच्छा तो साहबजादे आप अपने मुंह से ही बता दीजिए ना क्या वजह थी। पूछे पूछे अपनी लाडली से, बताओ क्या वजह थी। और अगर वजह बता भी देगी तो आपने भरोसा तो करना नहीं है, आंखों पर पर्दे हैं आपके, भतीजी है ना आपकी। हैदर मुझे चुप रहने का मत बोलिएगा आज। बात मुझ पे थी तो बर्दाश्त कर रहा था, मिनाल के ऊपर एक भी जुमला बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी का। अच्छा तो साहबजादे को रिश्तों की समझ आ गई है मिनाल के आते ही। बेटा जी इस लड़की के आने से पहले भी कुछ रिश्ते थे आपके जिन्हें आप जहन्नम रसीद कर चुके हैं। कुछ नहीं किया मैंने, यहां से अपने हिस्से का बोया काट रहे हैं। बस आप कोशिश करें हिस्सेदार मत बने प्लीज। बताओ सच, क्या सच है? क्यों मना किया था मैंने बताओ? कभी नहीं बताएगी? साहबू आ जाओ। नहीं अगर हिम्मत है बोलो ना एक दफा, बस सच बताओ इनको। हटो यहां से। सफीर देख मेरी बात सुनो।
है आप नवाज? पूरी बेटी है किसी की, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? अमल भी बेटी है किसी की, बल्कि किसी की नहीं, मेरे भाई की, मेरी भतीजी है वो। उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? मेरा भाई जो अब इस घर में आने में अपनी जिल्लत महसूस करता है, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? इनके बारे में कभी सोचा है आपने? तो तय कर लिया आपने कि हर रोज इस घर में यही तमाशा होगा? होगा, सच बोलना अगर तमाशा है तो हाँ होगा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों लेकर गए थे हैदर का रिश्ता आप? कोई शौक नहीं था मुझे जाने का, अमल के कहने पे गया था। अमल जिद ना करती तो कभी ना जाता। अमल अमल अमल, इस घर में सिर्फ अमल नहीं है, और लोग भी रहते हैं, उनका भी हक है इस घर पर, इज्जत और एहतराम के काबिल हैं वो लोग भी। और अगर आप ये बात समझ लें नवाज साहब, तो हम सबके लिए बेहतर होगा। अमल मेरे लिए बहुत अहम है, बाकी किसी से भी ज्यादा अहम। और ये बात अगर आप भी समझ लें तो भी सबके लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा ही था नवाज साहब, तो आपको उसी अमल के कहने पे हैदर को इस घर में वापस नहीं लाना चाहिए था। घर का एहसास इज्जत और मोहब्बत से होता है। सर छुपाने के लिए चार दीवारी तो उसे कहीं पे भी मिल जाती। अब्बू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry। और जो तुमने कहा उसका क्या? अंकल की बातों की वजह जानती हूँ, उनकी बातों से तकलीफ भी पहुंची, मगर उतनी नहीं जितनी तुम्हारी बातों से पहुंची। मुझे बताना चाहिए था ना। नहीं बता, हो गई गलती, लेकिन तुमने तो मेरी नियत पर ही शक कर लिया। मैं और मेरी मुझसे भरोसे की उम्मीद रखते हुए तुम्हारा भरोसा मुझ पर इतना कमजोर निकला। तुम्हें क्या लगता है, अपनी भाई भाभी की मुखालफत के बावजूद मैं आज यहाँ हूँ तुमसे शादी करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमल ने मुझसे कहा है? ऐसा लगता तुम्हें मेरी जात, मेरी नीयत, मेरे जज्बात कोई अहमियत नहीं रखता? कोई मुझसे कहेगा और मैं शादी कर लूंगी, ये समझते हो तुम? मैं इस रिश्ते में इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहती थी ऐसा। मोहब्बत की तवक्का नहीं रखती तुमसे। हाँ, ये उम्मीद जरूर रखती हूं कि इस रिश्ते से जुड़े भरोसे और इज्जत के काबिल समझोगे तुम मुझे। सॉरी।
और रहा सवाल तुम्हारी इज्जत का, तो वो उसकी वैल्यू मैं जिंदगी भर करूंगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, आज देख भी चुकी हो। हाँ देख चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती आइंदा तुम अंकल से बदतमीजी करो। बदतमीजी? उनकी बात सुनी थी, वो क्या बात कर रहे थे? किसी एक रिश्ते से लड़के किसी दूसरे रिश्ते से जीतने की उम्मीद रखना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। तल्ख बातों का जवाब अगर मोहब्बत से दिया जाए, इससे बड़ा वार कोई नहीं। मैं भी यही करूंगी। जब तक अंकल का दिल नहीं साफ हो जाता मुझसे, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, मैं पास हूँ ना, कोई बात नहीं डरने की। कौन है? माँ ये मैं तंग कर लेना ताकि यहाँ से चले जाए। मामा हम आशा आन के घर पे चलते, वहाँ में कोई भी तंग नहीं करेगा। प्लीज मामा, प्लीज 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 मामा। हाँ 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 बेटा हम चले जाएंगे, अभी डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मामा है ना, कमरे में चलते हैं ठीक है। कुछ तंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कमरे में चलते हैं। हाँ आप कमरे में जाओ बेटा, हाँ ठीक है जाओ जाओ। हमारी वालेकुम अस्सलाम। कल रात को जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन नहीं मांगूंगी क्योंकि ऐसा होता रहेगा बार बार, और फिर मेरी माफी की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मैं बार बार इस बात पर शर्मिंदा हूं कि आप मेरी बड़ी होकर मुझसे माफी मांग रही हैं। अमल से शादी से इनकार करके हैदर ने नवाज को अपने खिलाफ कर लिया था।
और अब तुमसे शादी करके तो शायद खुद को नफरत के लायक बना दिया है। कुछ भी हो जाए, माँ बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकते। मुखल अभी गुस्से में नाराज हैं, लेकिन नफरत ये मुमकिन है। लेकिन हैदर के हिस्से का गुस्सा, उसके हिस्से की नाराजगी का बोझ तुम्हें भी तो उठाना पड़ रहा है मिनाल। हम मियाँ बीवी आंटी, एक दूसरे के हिस्से का बोझ उठाना हमारे रिश्ते में तय है। जीते रहो बेटे। तुम नहीं 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 गुस्सा करने की कोशिश मत करना, और चलाना तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम दोनों अकेले हैं कमरे में, दरवाजा लॉक है। अगर ऐसे में मिनाल आ गई, मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल के गई तो क्या एतबार आ जाएगा तुम्हारा? क्यों आई मैं? तुम्हें ये बताने कि मेरे आगे तुम किस कदर मजबूर हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फैक्ट मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। इस घर के बिसात का सबसे मजबूत मोहरा मेरे हाथ में कैसी कैसी चालें चल रही हैं कि तुम्हारी शिकस्त दिन ब दिन करीब होती जा रही है। तायब मेरा सबसे ताकतवर हथियार, मेरे आगे तुम पर अपने सगे खून पर एतबार करने को तैयार नहीं है तो फिर मिनाल तो गैर है, उस पर क्या एतबार करेंगे? अपने और उसके रिश्ते को मजबूत समझने की गलती भी मत करना। एक बार सिर्फ एक बार की मारे में बस हुण जीवां के मर जावां। जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां